हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं HVAC टेक्निकल फॉल्ट। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि जब आउटडोर यूनिट फिक्स कर दिया जाता है, कनेक्शन जब कर दिए जाते हैं, तो उसकी गैस को किस तरीके से सिस्टम में इंडोर में रिलीज़ किया जाता है ऑन करने के लिए। तो आप देख रहे हैं ये यॉर्क का यूनिट है, आउटडोर स्प्लिट AC है ये, और इसके कनेक्शन ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ लगा दिए हैं। सिंपल से कनेक्शन है इसके, मैं आपको दिखा दूँ, लाइन न्यूट्रल और अर्थ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो है इसकी लाइन कनेक्ट कर दी है। अभी मैं जो है इसकी गैस को जो है रिलीज़ करूँगा सिस्टम में ताकि चल सके ये। तो उससे पहले आपने क्या करना है, ये जो इसके फ्लेयर नट्स हैं आपने देखना है कि इन दोनों को ये अच्छे तरीके से जो है टाइट होने चाहिए। उसके बाद जो है आपने जो है इनको स्पैनर से जो है खोल लेना है इस तरीके से, नीचे वाला भी आपने इस तरीके से खोल लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स जब आप ये दोनों कैप जो है इसको जब आप ओपन कर देंगे, तो आपने जो है यहाँ पे इसका जो डेड कैप है जिसको चार्जिंग पोर्ट भी कहते हैं, यहाँ से हम गैस को चार्ज करते हैं, इसको भी आपने ओपन कर लेना है। इसको आपने ओपन करने के बाद जो है फ्रेंड्स आपने देखना है कि कौन सी एलन की उसमें लगेगी। बेसिक तो जो है 5 नंबर की एलन की जो होती है वो लगती है, तो मैंने यहाँ पे जो है एलन की उठा ली है 5 mm की 5 नंबर की। तो यहाँ पे जो है आपको जो गैस है रिलीज़ करने के लिए, सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये जो पतला वाला जो पाइप है इसको जो है आपने पहले ओपन करना है। तो इस तरीके से मैं पहले देख लेता हूँ, इसमें एलन की जो है 4 नंबर की लगेगी फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने इसको देखा नहीं था, तो इसलिए बेसिक जो है 4 नंबर 5 नंबर ही एलन की जो है वो लगती है। तो जब आप एलन की ले लेंगे तो आपने जो है इस तरीके से इसको लगाना है एलन की को, और जो है इसको इस तरीके से थोड़ा सा पहले गैस को रिलीज़ करना है। जब गैस को आप थोड़ी सी रिलीज़ कर देंगे, गैस को रिलीज़ करने के बाद आपने थोड़ा सा बंद करना है, और उसके बाद थोड़ा सा देखना है कहीं से साउंड वाउंड तो नहीं आ रहा, कुछ ऐसा तो नहीं है कि लीकेज वगैरह है या नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऑलरेडी जो है पहले भी चेक कर चुके हैं हम लोग, तो मैं जस्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी टाइट करके चेक किया हुआ है। तो आपने चेक कर लेना थोड़ा सा, अगर आपको भरोसा नहीं है कि आपका जो यानी कि जो नट है फ्लेयर नट आपने जो टाइट किया वो लूज़ हो सकता है या लीक हो सकता है, तो आप उसको जो है चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपने जो है इस तरीके से फिर इसको पूरा ओपन करना है। ओपन कर देने के बाद जो है आप क्या करेंगे, आपने जो है सबसे पहले इसको नीचे वाला जो वॉल्व है आपने उसको इस तरीके से ओपन कर देना फ्रेंड्स, बिल्कुल एंड तक के, यहाँ तक के आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है आपने सक्शन लाइन का जो वॉल्व है उसको ओपन करने से पहले यहाँ से आपने गैस को थोड़ी सी पर्च करनी है इस तरीके से। उसके बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, उसके बाद जो है जब आप पर्च कर देंगे ताकि जो गैस है यहाँ से घूम के इंडोर से घूम के वापसी आ जाती है और इसमें जो है नॉन कंडेंसेबल गैस ऐड नहीं होती, उसके बाद जो है आपने इस तरीके से इसको ओपन कर देना फ्रेंड्स। तो जब आप इसको जो है ओपन कर देंगे, तो इस वक्त जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों वॉल्व जो है मैंने ओपन कर दिए हैं कम्प्लीटली अच्छे से, और उसके बाद जो है आपने इन दोनों की जो डेड कैप हैं आप इस तरीके से चढ़ा देना। तो जब आप इसको इस तरह चढ़ा देंगे और इसको जो है आपने इस तरह जो है लगा देना, लगाने के बाद फ्रेंड्स आप इसको टाइट कर देंगे, और टाइट करने के बाद जो है फिर वो आप इसको जो है चलाने के लिए नीचे जा सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई बंदा हो तो आप उसको बोल के AC को ऑन करवा सकते हैं और चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो है गैस को रिलीज़ करते हैं सिस्टम में, और इस तरीके से जो है यानी कि आपने टाइट भी लाजमी करना है इसको। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ एक प्यार से कमेंट भी कर देना। चैनल पर अब तक नहीं हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर देना, क्योंकि आपको ऐसे रिलेटेड कंटेंट मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।